द्वारा हमेशा पूजित हैं, देवता यक्ष किन्नर नाग जिनकी हमेशा पूजा करते हैं, उन्हीं अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ नामक शिव की मैं स्तुति करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदि योगी के स्तुति करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए धाम में पहुंचे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की, भगवान शंकर के वाहन नंदी को प्रणाम करते हुए और विधिवत परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। एक जननायक के रूप में, एक कर्तव्य परायण प्रधानमंत्री के रूप में, एक धर्म परायण राष्ट्र सेवक के रूप में श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं श्री केदारनाथ धाम में राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वास्तव में सनातन संस्कृति के नए उत्कर्ष का यह संक्रांति काल है, वास्तव में सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है। ये सांस्कृतिक जय यात्रा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अहर्निश जारी है। तस्वीर आपको दिखा रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीबन आधे घंटे तक पूजा अर्चना की और उसके बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो बाहर निकल आए हैं और ये देखिए नंदी के आगे हाथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। और ये हर बार का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि प्रधानमंत्री यहाँ पर जब पहले बाबा के दर्शन करते हैं और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर नंदी को नमन करते हुए, क्योंकि जो शिव को जानता है वो नंदी को जानता है और हर कोई जानता है कि नंदी के लिए शिव क्या है और शिव के लिए नंदी क्या है। पुराणों में भी इस बात का जिक्र है कि देखिए अगर यही कारण है नंदी अगर शिव की कोई रक्षा कर सकता है तो वो सिर्फ नंदी है और इसीलिए नंदी को ही अधिकार था कि देखिए अगर कभी भी रक्षा करने का समय आएगा तो सिर्फ शिव की रक्षा नंदी ही करेंगे और इसीलिए नंदी को किस तरीके से पूजा जाता है ये देखिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्तराखंड की जो जनता यहाँ पर मौजूद है, जो उन्हें देखने के लिए पहुंची है, सबसे पहले उन्हें हाथ जोड़कर पीएम ने नमन किया और उसके बाद हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। देखिए आज वेशभूषा देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, बहुत कुछ कहती हुई आज एक नेता के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं पहुंचे हैं, आज पहुंचे हैं एक भक्त के रूप में, बाबा केदार के भक्त के रूप में बाबा यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पिछली बार भी आपको याद होगा जब पीएम यहाँ पर पहुंचे थे तो गरुड़ चट्टी तक जाना जो है आसान रास्ता नहीं है, लेकिन वहां तक जाने के लिए भी पीएम नरेंद्र मोदी ने दो तीन बीच में स्टॉपेज जरूर ली थी क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन ऐसे में उसके बावजूद मैं जो दर्शक घर बैठे मैं सच बता रही हूँ कि देखिये ये जो चढ़ाई होती है ये बिल्कुल भी आसान नहीं की है, वो भी इस ठंड के मौसम में, क्योंकि जब आप जमीन से इतनी ऊंचाई पर हैं ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम होता जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो है यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जब भी पहुँचते हैं आस्था का अपना भंडार लेकर पहुँचते हैं जो समर्पित कर देते हैं शिव को, महादेव को। और अब पीएम नरेंद्र मोदी देखे अब यहाँ से मंदिर के पीछे की तरफ जाते हुए देखे, दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ की परिक्रमा करते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, एक परिक्रमा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर जो है की गई है। क्या वजह रही जो प्रधानमंत्री तो अब इसके बाद पीएम की तरफ से रोपवे का शिलान्यास किया जाएगा, उसकी नींव रखी जाएगी वही रोपवे जिसका इंतजार जो है किया जा रहा था ताकि थोड़ी सी तो लोगों को सहूलियत मिल पाए अगर मौसम खराब, क्योंकि देखिए ये कहा जाता है उत्तराखंड के लिए कहावत है कि देखिए दोपहर के 2 बजे के बाद यहाँ के मौसम का मिजाज का कुछ नहीं पता कि कब बारिश हो जाए, कब तूफान आ जाए, कब धूप हो जाए, कब आंधी हो जाए, कुछ नहीं पता। और अब ऐसे में इसीलिए कहा जाता है कि देखिए 2 बजे के बाद जो है मौसम बहुत ज्यादा अचानक से बदलता है, हालांकि पल भर में कभी बदल सकता है। वैसे में सबसे ज्यादा जो मुश्किल होती है वो होती है हेलीकॉप्टर उड़ाने में, क्योंकि डीजीसीए की तरफ से अनुमति नहीं दी जाती। अभी जो 3 दिन पहले गरुड़ चट्टी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसकी मेन वजह जो है वो अब तक यही निकल कर सामने आई है
आ रहे हैं और वो तमाम दर्शक जो उसकी मेन वजह यही निकलकर सामने आई है कि देखिए देखिए पीएम नरेंद्र मोदी अब यहाँ से आगे आते हुए नजर आ रही है। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी अब यहाँ से आगे आते हुए देखिए आज उनकी वेशभूषा देखिए बहुत अलग, हाथों में रुद्राक्ष पहनते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या आज पीएम नरेंद्र मोदी मीडिया से बातचीत करेंगे, आज पीएम नरेंद्र मोदी आज कुछ कहेंगे, ये जो है देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए बहुत ही ऐसा बहुत ही कम समय होता है जब पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो मीडिया से कुछ कहे। लेकिन देखिए यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, हाथ जोड़ के अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हम सभी मीडिया कर्मियों से जो है मात्र देखिए 100 मीटर की भी दूरी नहीं होगी जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं। जय केदार का उद्घोष पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर जो है किया जा रहा है। और हर हर महादेव, देखिए यहाँ पर जनता जो है वो भी हर हर महादेव। ये देखिए पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर तमाम जो भी लोग यहाँ पर पहुंचा जिनकी वेशभूषा एकदम अलग, ये बताने के लिए ये देखिए पीछे जो पीएम नरेंद्र मोदी की जो आप वेशभूषा देखेंगे उसमें स्वास्तिक का निशान आपको नजर आएगा। अभिषेक और कार्याभिषेक करने के लिए तो ये अद्भुत संयोग बनता है। जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी। इस समय नर नारायण की पूजा के बाद नर नारायण स्वरूप में देश की जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जो कि एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रखे हैं, ये आपने जो तस्वीरें देखी, ये देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। वो बता रहे धामी को कि आप धामी जो है समझा रहे हैं कि देखिए कहाँ कहाँ तक काम जो है हुआ है, क्या क्या काम पूरा हुआ है। मैंने आपको जैसा कि पहले भी कहा था, पीएम जब आते हैं यहाँ पर तो एक नेता के तौर पर तभी बनते हैं, वैसे तो वो एक भक्त के तौर पर आते हैं, लेकिन जब कार्यों की बारी आती है तो स्ट्रिक्टली पूछते हैं कि क्या काम हुआ है, क्या काम रह गया है, कितना काम बचा है, और हर कार्यों की बारीकी से नजर जो है सारे कामों पर रखी जाती है। खासकर वैसे तो हर प्रोग्राम में देखा है हमने, हर परियोजना में देखा है, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे पर आज की है मुस्कुराहट देखिए, पीएम मोदी की वेशभूषा देखिए। जहाँ पीएम मोदी के वेशभूषा के अगर बैक साइड पे आप देखेंगे तो देखिए स्वास्तिक का निशान, मोर का पंख, ये सब जो है पीएम नरेंद्र मोदी के आज पहनावे में नजर आ रहा है। पीएम मोदी यहाँ से देखिए ऊपर जाते हुए, अब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से ऊपर जाएंगे, रोपवे का शिलान्यास किया जाएगा और उसके बाद आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, उन्हें नमन करेंगे। शायद यहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी अब पीछे के भी कार्यों को जो है समझने के लिए, जानने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या काम हुआ है, वहाँ पर कैसे काम हुआ है, कितना काम बचा हुआ है। ये हमेशा हमने देखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो करते हुए नजर आए हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भगवान केदार का रुद्राभिषेक किया और वो देखिए वहां पर जो आप दूसरी तरफ तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो बाकी भगवानों की मूर्ति है उनको नमन करते हुए पीएम यहां पर नजर आ रही है। देखिए जो वहाँ पर मजदूर मौजूद है, आप जो तालियां बजाते हुए अधिकारियों को देख रहे, दरअसल उन मजदूरों की तारीफ करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि आखिर किस तरीके से वहाँ पर जो है इन मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके जो है काम किया है। और इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी हर किसी की हौसला अफजाई करने से कभी भी पीछे नहीं हटते, चाहे वो कोई मजदूर हो, कोई अधिकारी हो, जो अच्छा काम करता है उसके लिए हमने देखा है। तो आज का दिन पीएम नरेंद्र मोदी के लिए बेहद खास, क्योंकि जिनके वो बेहद करीब हैं, बाबा केदार के, बाबा भोलेनाथ के, महादेव के, जो उनके रग रग में बसते हैं, जो उनके दिल में बसते हैं, जिनका सुबह शाम वो नाम जपते हैं, आज उनसे मुलाकात करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का वो पिछले साल का भाषण आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि देखिए लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, मैं कहता हूँ कि भगवान यहाँ है। लोग कहते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, मैं कहता हूँ कि स्वर्ग धरती पर ही है, एक बार नजर उठाकर तो देखो। बिल्कुल सही बात है, अगर आप देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देखेंगे तो कुछ इसी तरीके का जो है, कभी अगर स्वर्ग किसी ने देखा होगा तो शायद स्वर्ग इसी तरीके का हुआ करता होगा, क्योंकि इसी तरीके की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच जो बर्फ से ढकी हुई है, जहाँ
पर महादेव का वास है, जहाँ पर देवताओं का वास है, और उनके बीच में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और देखिए, ये आपको जो दरअसल तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर जाने का रास्ता है, मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जो है दरअसल यहाँ से रोपवे का शिलान्यास करेंगे। वो जो आप टेंट टाइप का देख पा रहे होंगे, जो हडल टाइप का है, वहीं से उस रोपवे की शुरुआत की जाएगी। दरअसल शुरुआत गौरीकुंड से होगी, जो यहाँ केदारनाथ तक पहुंचेगी और यहाँ पर खत्म होगी, और उसके बाद लोगों के लिए रास्ता बनाया जाएगा, जो डायरेक्ट लोग यहाँ पर केदारनाथ में पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन अब आज इसका शिलान्यास पीएम की तरफ से किया जाएगा। 3,000 करोड़ से भी ज्यादा की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर दी जाएगी। इस रोपवे के आने के बाद, शुरुआत होने के बाद लोगों को जो सहूलियत मिलेगी, और बहुत आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, कई फिल्मी गानों में भी देखा होगा कि आखिर रोपवे का इस्तेमाल जो है किस तरीके से किया जाता है। अगर आप हिमाचल की पहाड़ियों में जाएंगे, आप वैष्णो देवी कटरा जाएंगे, तो वहां पर अभी भी केबल कार जिन्हें कहा